एनसीपी कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्यवाही को लेकर शरद पवार ने घेरा केंद्र सरकार को, कहा दो बच्चों की लड़ाई में भी ईडी साथी, कहा इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि सच्चाई सामने न आए। एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा मामले को लेकर आए फैसले पर भी उठाए सवाल, बोले गुजरात में दंगों में जो मारे गए वो चले गए, लेकिन यहाँ कानून और संविधान भी मारा गया। गुजरात मध्य 70 अजी पक्ष होता, त्याच्यामध्ये ज्यांना असेल झाली त्याच्यामध्ये एक महिला होत्या की ज्या खासदार आमदार होत्या, ज्या तिथे मंत्री होत्या, अन्य त्यांचे सहकारी होते। इतके दिवस ती केस झाली, या लोकांना अटक झाली, लगेचच त्यांना जामीन दिला गेला आणि केस वर्षानुवर्षे चालली। आणि आता काल हायकोर्टाचा निर्णय आला की सगळेचे सगळे लोक निर्दोष होऊ शकतात। शरद पवार ने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग का बोलबाला है, ये सिस्टम इस हद तक पहुंच गया है कि अगर दो बच्चों में लड़ाई हो जाए तो ईडी को वापस लाने की धमकी दी जाती है। शाइस्ता परवीन और जानब फातिमा की तलाश में जुटी यूपी एसटीएफ, कई जिलों की पुलिस की छापेमारी जारी, चकमा देकर लोकेशन लगातार बदल रही दोनों। शाइस्ता परवीन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बेटों के साथ मंच पर नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये 2021 का वीडियो है जब शाइस्ता ने AIMIM को ज्वाइन किया था। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, वकील खान सौलत हनीफ की भी भूमिका आई सामने, असद और वकील खान सौलत हनीफ का मोबाइल चैट सामने आया। चैट में वकील खान सौलत हनीफ ने असद को उमेश पाल की भेजी थी तस्वीर, कई तस्वीरें 19 फरवरी को भेजी गई थी। असद ने उमेश पाल की इन्हीं तस्वीरों को दूसरे शूटर्स को आगे फॉरवर्ड किया। वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर देवेंद्र तिवारी का बड़ा दावा, कहा गुड्डू मुस्लिम ने BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी, 20 लाख रुपए की मांग की। धमकी भरे पत्र में सीएम योगी और एसटीएफ एडीजी का भी जिक्र, पत्र में लिखा कि भाभी ने कहा है कि अभी सांसद जी ही मरे हैं, हम लोग जिंदा हैं, तुम तीनों को मारकर ही मरेंगे, हमारी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक। देवेंद्र तिवारी आलमबाग के रहने वाले हैं, शिकायत दर्ज करा दी गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अतीक अशरफ की हत्या पर सियासत गर्म, AIMIM चीफ ओवैसी ने शूटर्स की गोडसे से तुलना की, कहा कि वो मशहूर होना चाहते थे, ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसे टेरर सेल कहते हैं। हम मशहूर होना चाहते थे, ये मशहूर होना नहीं है, ये बाकायदा ग्रुप है जिसको टेरर सेल कहते हैं, ये टेरर सेल है। वहीं ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि शूटर्स पर UAPA क्यों नहीं लगा, उन्हें 8 लाख का हथियार किसने दिया, आप याद रखो कि ये आतंकवादी हैं, ये गोडसे के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। उन पर UAPA क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8 लाख की वेपन किसने दिया, ये टेररिस्ट है याद रखो आप, ये। वहीं शुक्रवार को आखिरी जुम्मे की नमाज के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर के पास जामा मस्जिद के पास नमाजियों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। नारे लगाए जाने के बाद बिहार में राजनीति गर्म, बीजेपी MLA का तीखा हमला, हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार PFI का अड्डा बन चुका है जिसे राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। का अड्डा था बिहार में और जो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रही थी, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बिहार में उसकी जड़ें गहरी है और सरकार के संरक्षण में संस्था चल रहा है।
नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी ट्वीट सामने आया। बिहार में तो अतीक जी वालों की सरकार है, अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में यूपी में नारा लगाकर दिखाएं। आज से बदल जाएगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पता। मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले घर में रहेंगे राहुल गांधी। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन के आवास खाली करने का जारी हुआ था नोटिस। 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने का दिया गया था समय। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने शुक्रवार तक सरकारी बंगला खाली कर दिया है और वो आज 10 से 11 बजे के बीच बंगले की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। सूडान के हालात और वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। सूडान में ईद को लेकर हुए 72 घंटे के युद्ध विराम। इस बीच 4000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के दूसरे विकल्पों का भी प्लान तैयार करने को कहा गया। बैठक में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजय डोवाल, वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ सूडान में भारत के राजदूत भी शामिल हुए। देश भर में ईद उल फितर की धूम। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बाजारों में रौनक। लोग एक दूसरे को दे रहे बधाई। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में दिखी लोगों की भारी भीड़। दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह ठीक 6:30 पर अदा की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने ऐलान किया, ईदगाह की नमाज आज सुबह 10:30 अदा की जाएगी। इसी के साथ ईद का जश्न शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने किया तलब। इंश्योरेंस घोटाले से जुड़े मामले में जानकारी लेना चाहती है सीबीआई। 27 से 29 अप्रैल के बीच पेश हो सकते हैं मलिक। दिल्ली के अकबर रोड के गेस्ट हाउस में होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर गवर्नर के तौर पर मलिक ने इंश्योरेंस स्कीम को किया था खारिज। 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश का भी किया गया था दावा। सत्यपाल मलिक को तलब किए जाने पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, आखिरकार पीएम मोदी से नहीं रहा गया। सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा, पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है सर। वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ो सर, गर्व है आप पर। सुप्रीम कोर्ट ने हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की मांग वाली याचिका स्वीकार की है। कोर्ट ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा नोटिस। 8 हफ्तों में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स का आरोप है कि राज्य सरकारें धर्म और मजहब देकर मुआवजा तय करती हैं, जो कि संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है। आज मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का त्यौहार। शुभ कार्यों की शुरुआत कर लोग मनाएंगे पर्व। आज के दिन खरीदे जाते हैं सोने चांदी के आभूषण। अक्षय तृतीया पर 125 सालों बाद पंचग्रही योग भी बनने जा रहा है। मेष राशि में ये योग होकर बेहद शुभ फलदायी होगा। कई राशियों के लिए भी शुभ होगा। आज भगवान परशुराम की जयंती। भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में छठे अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और यात्रा की शुरुआत होगी, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आज सुबह 8:25 पर यमुना के मायके से शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की डोली शीतकालीन निवास खरसाली से रवाना होगी और सुबह 11 बजे तक डोली यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। इसरो आज लॉन्च करेगा टेलियोस 2 उपग्रह। सिंगापुर से होगी उपग्रह की लॉन्चिंग। ये इस रॉकेट का 55वां मिशन होगा। राष्ट्रपति भवन में ईद के कारण आज नहीं होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह। अवकाश पर रहेंगे राजपत्रित। कल जारी किया गया आधिकारिक बयान। आज से शुरू होगा माता कौशल्या महोत्सव। सीएम भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा।
आज वर्ल्ड अर्थ डे, पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने और संकल्प लेने का दिन। इसको मनाने का मकसद है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। देश भर में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों को चिट्ठी लिखी, सतर्क रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा। यूपी के अयोध्या में भीषण सड़क हादसा, बूथ नंबर 4 पर एक ट्रक और बस की जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई जबकि 20 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। जिला प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज करने का निर्देश दिया। भारत चीन विवाद पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है चीन। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने एक इंटरव्यू में चीन के रुख के खिलाफ दो टूक बयान दिया। भावनगर डमी कांड में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार, पूछताछ के बाद जडेजा को किया अरेस्ट। जडेजा पर डमी कैंडिडेट के नाम छुपाने के लिए वसूली का इल्जाम। युवराज सिंह जडेजा ने हाल ही में डमी कांड का किया था खुलासा। जडेजा और उनके सहयोगियों के खिलाफ रंगदारी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज। पूंछ में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में हाई अलर्ट, गुरुवार को घात लगाए आतंकियों ने सेना के वाहन पर किया था अटैक। फायरिंग और विस्फोट में 5 जवान हुए थे शहीद, एक की हालत नाजुक। सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची, टीम फॉरेंसिक जांच के साथ ही सबूत इकट्ठा करेगी। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम हमला स्थल पर पहुंची। सेना के जवानों पर हमला उस वक्त हुआ जब ट्रक भीमभर गली से पूंछ की ओर जा रहा था। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान पहुंचे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पूंछ में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने हमले के लिए चाइनीज बुलेट का इस्तेमाल किया। ऐसे ही चाइनीज बुलेट का इस्तेमाल राजौरी के डांगरी में हुए टारगेट किलिंग के दौरान किया गया था। सेना और एनआईए आतंकी हमले में चाइनीज कनेक्शन खंगालने में जुटी। घटनास्थल से स्टील के बुलेट्स भी बरामद, ये बुलेट बेहद घातक होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने की क्षमता रखती है। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाश शुरू कर दी है, ड्रोन की मदद से जंगल के हर कोने पर नजर रखी जा रही है। आतंकी हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। पंजाब सरकार पूंछ में शहीद जवानों को देगी 1-1 करोड़ मुआवजा, आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों में 4 पंजाब के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, चुन चुन कर उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। जम्मू के स्कूली बच्चों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। स्कूल के बच्चों ने उन्हें शहीदों को याद किया। उमेश पाल हत्याकांड में सर्विलांस में लिए गए नंबर्स अचानक से बंद हो गए हैं, करीब 600 से ज्यादा मोबाइल नंबर अचानक बंद। शूटर्स की तलाश के लिए इन सभी नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया था। अतीक अशरफ हत्याकांड में 3 आरोपियों का पुलिस करा सकती है लाइट डिटेक्टर टेस्ट। पुलिस के मुताबिक कई सवालों के जवाब आरोपी सही से नहीं दे रहे हैं, इससे पहले पुलिस अर्जी दाखिल कर सकती है, लेकिन इससे पहले लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति लेना भी जरूरी। अतीक के बेटे उमर अहमद को लेकर सुनवाई टली, अब 5 मई को प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण मामले में होगी सुनवाई। उमर पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को 2018 में अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई का इल्जाम। अतीक का बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है, उमर अहमद पर कारोबारी को जेल में पीटने का आरोप है, मामले में अतीक अहमद भी आरोपी था। 50,000 के इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की सरेंडर की सुगबुगाहट तेज, कहा जा रहा है कि सरेंडर कर सकते हैं किसी भी वक्त शाइस्ता परवीन। कर्नाटक के बीदर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कांग्रेस ने समाज को बांटने का ही काम किया। नड्डा ने कहा तमिलनाडु में कांग्रेस को हटे 60 वर्ष हो गए, जो पांव उखड़े तो उखड़े ही रह गए, ना वो तेलंगाना में रहे और ना ही आंध्र प्रदेश में।
ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम बोले, न्यू एज स्किलिंग के लिए राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी। भुवनेश्वर सीएम नवीन पटनायक ने ब्रिटेन की ओडिशा की महिला मधुस्मिता जेना के साथ चर्चा की। महिला साड़ी पहनकर मैराथन दौड़ में शामिल हुई थी और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम डॉक्टर माणिक साह ने मीडिया हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया कर्मियों के साहस के साथ खबर देने की सराहना की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सिविल सेवा दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।